गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर वन ऑल अबाउट कंप्यूटर। ओके, सबसे पहले इसका पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स कोई भी काम करना। कंप्यूटर एक ही नहीं, बहुत सारे काम कर सकता है। वो कैलकुलेशन कर सकता है, प्ले म्यूजिक चला सकता है, वीडियो देख सकते हो आप उसमें डेटा एनालाइज कर सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बुक डिज़ाइन कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो, ये सब क्या वर्सेटाइल है। मतलब कंप्यूटर एक बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। एक्यूरेट। ओके, एक्यूरेट क्या हो गया? मीन्स आप कंप्यूटर कभी कभार आपसे गलती हो जाती है, बट कंप्यूटर से कभी गलती नहीं होती। आप जितनी बार भी ट्राई करोगे तो उतनी बार आंसर सेम आएगा। एक ही क्वेश्चन करोगे तो, या फिर जितनी बार करोगे उतनी बार आंसर करेक्ट आएगा। कंप्यूटर गलती नहीं करता है। डिलीजेंट। डिलीजेंट्स मीन्स आप थक जाते हो कभी कभार काम करते करते, बट कंप्यूटर काम करते करते कभी थकता नहीं है। मल्टीटास्किंग मतलब एक ही बार में आप दो तीन प्रोग्राम एक साथ चला सकते हो। सपोज आपको वर्ड पे कुछ काम है, एनिमेशन आप बना रहे हो और आपको गाने भी सुनने हैं, तो आप गाने प्ले चला भी सकते हो और एनिमेशन भी कर सकते हो। मतलब दो काम एक साथ हो गए तो मल्टीटास्किंग हो गया। देन स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स आप उसमें कितना स्टोर कर सकते हो। मोबाइल में जितना स्टोर नहीं कर सकते आप, लेकिन कंप्यूटर में वो ज़्यादा स्टोर आप कर सकते हो। मतलब कि वो ज़्यादा डेटा हो गया आपका, आप बहुत सारी मूवीज स्टोर कर सकते हो, ये स्टोरेज कैपेसिटी है। लेकिन ये सब तो उसकी हो गई कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी। लिमिटेशंस क्या है एक बार ज़रा देख लीजिए। हो गया लिमिटेशंस, पहला पॉइंट समझा देता हूँ। कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ऑफ, मतलब कंप्यूटर अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता। उसके पास कोई लॉजिक नहीं होती, उसको आपको ऑर्डर देना होता है या आपको डेटा डालना पड़ता है, तब जाके वो करता है। कंप्यूटर में कोई इमोशंस नहीं होते क्योंकि वो एक मशीन है, तो उसमें इमोशन की स्किल नहीं है। मतलब इमोशन फंक्शन कुछ नहीं होते। और जिसको कंप्यूटर चलाना होता है, लास्ट पॉइंट, जिसको कंप्यूटर चलाना होता है उसको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो ये उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ। ओके, तो फर्स्ट है एबेकस। तो देखिए एबेकस कुछ ऐसा दिखता है। ओके, तो ये सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था? चाइना में। कहाँ पे हुआ था? चाइना में। और ये क्या क्या करता है? ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब काम आराम से कर सकता है। देन उसके बाद आया नेपियर बोन। ओके, ये भी कैलकुलेटिंग डिवाइस ही है। तो ये किसने बनाया था? ये जॉन नेपियर, इधर लिखा है किसने? जॉन नेपियर। वो कौन से साल में? 1618 में। ओके, इसमें क्या क्या रोड्स होती है जो बोन से बनी हुई होती है। ओके, लेटर उसके बाद कौन सा आया अपना? पेस्कलाइन। पेस्कलाइन कब आया? 1642 में। ब्लेस पेस्कल, किसने बनाया इसको? ब्लेस पेस्कल ने। और इसका नाम क्या है? पेस्कल कैलकुलेटर। क्या नाम है इसका? पेस्कल कैलकुलेटर। ये भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही करता है। लेकिन ये पहले 5 डिजिट का बनाया गया, लेकिन बाद में इसको 6 और 8 डिजिट का भी बनाया गया। मतलब पहले 5 डिजिट तक ही आप मल्टीप्लाई एडिशन कर सकते थे, लेकिन बाद में इसको 6 और 8 को भी कर दिया। देन है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। कब बनाया था? 1822 में। ओके, ये भी मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल्स, इसमें कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा कठिन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इनके अलावा भी वो बहुत सारे काम करता ही है। ओके, चार्ल्स बेबेज इधर फर्स्ट बनाया था, लेकिन हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? हु इज़ द फादर ऑफ नेशन होता है महात्मा गांधी। जैसे हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज, ये याद रखना। इलेक्ट्रिकल इंजन, ये भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। और कब? 1837 में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर की जनरेशन, तो कितने टाइप, कितनी जनरेशन हुई अभी तक कंप्यूटर की? अभी तक 5 जनरेशन हुई। ओके,
फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी? 1942-58। इसमें क्या, फर्स्ट जनरेशन में कैसे कंप्यूटर थे? तो बहुत बड़ी साइज़ में थे, वैक्यूम ट्यूब्स थी उसके अंदर, स्टोरेज कैपेसिटी भी कम थी, स्पीड स्लो थी, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लेते थे, और डेटा टाइप करने में, सॉरी टाइप नहीं, डेटा कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम भी लेते थे। ओके, पंच कार्ड यूज़ होते थे उस टाइम इनपुट और आउटपुट में। ओके, ये वैक्यूम ट्यूब्स आप देख सकते हो, ये आपके बल्ब की तरह हो गए, इतने बड़े बड़े होते हैं। इससे गर्मी, ये गर्मी भी बहुत करते थे, और ये इतना बड़ा, आपके सपोज क्लासरूम होती है, इतने बड़े बड़े ये कंप्यूटर हुआ करते थे। उसका एक एग्जांपल है इधर देखो, इनी वैक कितना बड़ा ये इनेक, इसको किसने डिज़ाइन किया था? जे एकट एंड जे मोकली इन 1946। इनेक, इनेक का फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये जे मोकली एंड जे एकट ने कब बनाया था? 1946 ने। बाद में उन्हीं ने इसको मॉडिफाई करके यूनिवेक बनाया, कब? 1956 में। उसका नाम क्या है? यूनिवेक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, नाउ सेकंड जनरेशन 1959-63। सेकंड जनरेशन कब से कब तक था? 1959-63। इसमें क्या यूज हुए? ट्रांजिस्टर। कैलकुलेशन करने के लिए क्या यूज हुए? ट्रांजिस्टर। देखो इधर देख सकते हैं, जो आजकल मॉडर्न डिवाइस में भी यूज होते हैं। ओके, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़े छोटे थे, ये माइक्रो सेकंड्स में कैलकुलेशन करते थे, बस वो मिली सेकंड में करते थे, ये माइक्रो सेकंड और कम में। इसमें भी पंच कार्ड यूज होता है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक टेप्स भी यूज़ होती है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए। ये स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ होता है, स्पेशल मतलब कुछ खास कामों के लिए, और ये बहुत ही महंगे होते थे। इसके एग्जांपल है IBM 1401, RCA 501 एंड हनीवेल 200। ओके, थर्ड जनरेशन 1964-70 थर्ड जनरेशन है। द चिप फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस जनरेशन। जो आजकल के डिवाइस में जो चिप मिलती है वो कब इन्वेंट हुई थी? थर्ड जनरेशन में। उस चिप को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट सर्किट। क्या बोलेंगे उसको? इंटीग्रेट सर्किट। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से ही हम कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज़ करने लगे। ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से थोड़ा और छोटा है, और तेज़ है, और आसानी से काम कर सकता है। कंप्यूटर बिगन टू अवेलेबल टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पब्लिक को कंप्यूटर कब मिलने लगे? फर्स्ट टाइम, पहली बार पब्लिक को कंप्यूटर मिलने लगे। एग्जाम्पल है IBM 360, एप्पल 1, ICL 1900। ओके, ये सब इसके एग्जाम्पल याद रखना। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक थे? तो 1971 से प्रेजेंट अभी तक। उसमें क्या माइक्रो प्रोसेसर आर यूज? उसमें अभी क्या यूज होता है? माइक्रो प्रोसेसर। ये देखो, इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ओके, ऑल मॉडर्न इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस वर इन्वेंटेड आर। आजकल जो भी मॉडर्न इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो गए वो सब यूज होते हैं। बारकोड स्कैनर हो गया आपका, आपके कैमरेज हो गए, वो ये सारे मॉडर्न इनपुट आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस नहीं, सॉरी, इनपुट डिवाइस है। बारकोड और कैमरा आउटपुट के लिए क्या हो गया? प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इसी बहुत सारी ये आउटपुट डिवाइस हो गए, स्पीकर हो गए। ओके, पावरफुल, रिलायबल एंड एफिशिएंट। ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन से भी ज़्यादा पावरफुल है, रिलायबल, आसानी से यूज़ कर सकते हो और आरामदायक, इजीली यूज़ कर सकते हो। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है, तीनों जनरेशन से सबसे छोटा और फास्ट है। यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इंश्योर डेट द स्टोरेज कैपेसिटी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज मैनीफोल्ड एवरी ईयर। जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, जब बोलते हैं इंटेल आ गया, इंटेल हो गया ना, 7th जनरेशन, i3 7th जनरेशन, i5 7th जनरेशन, 10th जनरेशन, राइजन हो गया, ये प्रोसेसर के नाम है। तो ये क्या है, हर साल स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज करते हैं और आपके प्रोसेस काम करने की स्पीड भी और बढ़ाते हैं। कंप्यूटर हैंग नहीं होता, आप इजीली जिसको काम करने में कभी पहले 5 सेकंड लगते थे उसको 2 सेकंड ही लगेंगे लोड होने में। ओके, फिफ्थ जनरेशन
एडवांस कंप्यूटर, कौन से ये एडवांस आर्ट, क्योंकि साइंटिस्ट ने इनके ऊपर काम किया, उन पर भी साइंटिस्टों ने ही काम किया, पर ये इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इसमें खुद की सोचने की क्षमता, फिर देख देख के सीखना, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जैसे आपके मोबाइल में भी AI कैमरा होता है ना, वैसे ही रोबोट्स हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी डेट अनेबल्स अ कंप्यूटर और अ मशीन टू थिंक लर्न एंड टेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन। देखा, बताया था आपको अभी, ये क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो सोच सके, सीख सके और उसी के ऊपर अपना डिसीजन ले सके, जैसे इंसान लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर आर एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज वॉइस, टेक डिसीजन, आइडेंटिफाई इमेजेस, ट्रांसलेट डेटा एंड सो ऑन विदाउट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ईच टाइम। मतलब अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यू आवाज़ पहचान जाए, अपना डिसीजन खुद ले सकते, इमेज जान ले और डेटा ट्रांसलेट कर सके, लैंग्वेज ट्रांसलेट हो गया, वो भी किसी के ऑर्डर दिए बिना। हमको जैसे मम्मी आपको काम बोलती है तो आप बिना कुछ सुनते और काम करने लग जाते, मतलब आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती मम्मी को। वैसे ही कंप्यूटर में भी ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि हर बार डालना नहीं पड़े। डेटा साइंस, अभी के जो डेटा साइंस मीन्स अभी जो भी कंप्यूटर यूज़ होते हैं एनालाइज के लिए, वेदर फोरकास्टिंग हो गए, इन सब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर यूज़ होते हैं। ओके, फिफ्थ जनरेशन तक हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ओके, माइक्रो कंप्यूटर के आगे मतलब जो छोटे कंप्यूटर, ये देखो बता रहा हूँ आपको, इधर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टेबलेट, ये सब कौन से हो गए माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप जो आजकल बिगेस्ट माइक्रो कंप्यूटर, सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, जो हम अपने डेस्क पे रखते हो ऑफिस वर्क या फिर अपने पर्सनल काम के लिए भी यूज़ लेते हैं। लैपटॉप डेस्कटॉप से छोटा होता है, आपको पता ही है, दे कैन डू एवरीथिंग दैट अ डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन डू। ये भी जो डेस्कटॉप कंप्यूटर करता है वो सब ये काम कर सकता है, लेकिन ये बैटरी पे चलता है और वो पावर पे चलता है, और आप बैटरी से चलता है तो इसको ऑब्वियसली कहीं पे भी लेके जा सकते हो, जैसे मोबाइल हो गया। लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स आर स्मॉलर देन लैपटॉप, ये लैपटॉप से भी छोटे होते हैं आपको पता ही, एंड पर्सन हैंड, उसको आप कहाँ पे पकड़ सकते हो, हाथ में पकड़ सकते हो, लेकिन इसको कैरी अराउंड इजीली और इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो। नॉर्मली यूज टू चेक मेल्स, लिसन टू म्यूजिक, रीड ई बुक्स एंड सो ऑन, और ये ज़्यादातर किस लिए यूज़ होते हैं, ईमेल चेक करने के लिए, बुक पढ़ने के लिए और गाने सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, वो आप लोग देखते हो। ओके, मिनी कंप्यूटर। ओके, मिनी कंप्यूटर का थोड़ा पढ़ लेते हैं। मिनी कंप्यूटर आर बिगर इन साइज एंड मोर एक्सपेंसिव देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा महंगा होता है। दे आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम, ये मेन फ्रेम से छोटा होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। दे आर यूज्ड बिटवीन 1960s टू 1980, 1960 से लेके 1980 तक ये कंप्यूटर यूज होते थे। ड्यूरिंग दैट टाइम माई मिनी कंप्यूटर हैड हाई प्रोसेसिंग पावर, तब उसके उस टाइम पे मिनी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर सबसे तेज थी और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा थी। दे वेर यूज इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल टू कैरी आउट स्लाइटली कॉम्प्लेक्स टास्क, स्टोर डेटा एंड एक्ट एज लोकल सर्वर। उस टाइम पे मिनी कंप्यूटर ही यूज़ होते थे, मतलब कोई डेटा करने के लिए टास्क, कुछ अलग अलग काम करने के लिए मिनी कंप्यूटर यूज़ होते थे। कहाँ पे, बिजनेस या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में। दिस आर लेसर यूज नाउडेज, अभी ये बहुत कम यूज़ हो गए। उसका कुछ एग्जाम्पल है, PDB-8, PDP-5, AS-400 आर एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर। ओके, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर, ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर फास्टर एंड मच मोर एक्सपेंसिव देन मिनी कंप्यूटर। ओके, तो ये अभी के कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्टर होते, तेज होते और ज़्यादा एक्सपेंसिव होते। मेन फ्रेम कंप्यूटर को आप सर्वर भी बोल सकते हो, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है,
स्पीड तेज होती है और एक प्रोसेसर और मेन एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर जनरली यूज्ड टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, ये ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग जैसे कि बैंक हो गया, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एंड अदर, इसके लिए यूज होता है। ओके उसको लिखा है दीज आर मोस्टली यूज एज सर्वर्स, ये सर्वर्स भी बोला जाता है। लास्ट है आपका सुपर कंप्यूटर, एज द नेम सजेस्ट दिस कंप्यूटर इज द बेस्ट इन एवरी वे, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, ये सबसे तेज होते और बढ़िया। प्रोसेसिंग स्पीड, मल्टीटास्किंग, साइज, डेटा एनालाइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी, ये हर चीज़ में अच्छी है, इसकी स्पीड अच्छी है, बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, साइज़ भी ज़्यादा है, डेटा एनालाइज करना है उसमें भी तेज है, और स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत होती है। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट एक्सपेंसिव टू बिल्ड, और इसको बनाना सबसे महंगा होता है। ये दिस आर यूज टू कैरी आउट टास्क डेट रिक्वायर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सच एज साइंटिफिक रिसर्च, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सो ऑन, ये सब इन सब काम के लिए यूज़ होता है। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बिल्ड इन इंडिया इस परम, जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, परम, और इस लेटेस्ट वर्जन इस परम ब्रह्मा, उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, परम ब्रह्मा। ओके थैंक यू।